अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए, और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने कल्बी तासुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फी फजल तहूर। हद्दसना इसहाक इब्न मूसा अल अंसारी। हद्दसना मान इब्न ईसा। हद्दसना मालिक इब्न अनस تحويل سند وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه माल मा आखिर कतरिल मा इला आखिर। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाब लेकर आए अबवाबु तहारा में, बाब मा जा फी फजल तहूर, इसमें ये बाब लेकर आए। और इससे पहले जो बाब जिक्र किया वो था बाब मा जा ला तुक्बलु सलातुन बिगैर तहूर, यानी बग़ैर तहारत के कोई नमाज मकबूल नहीं होती है, यानी सही नहीं होती है। वहाँ पर लफ्ज़ सलातुन नकरा है जो कि ला तुक़बल नफ़ी के तहत वाक़े है। और आपने ज़ाबता पढ़ा होगा इल्मे नहु में कि नकरा अगर तहत नफ़ी वाक़े हो तो उस वो उमूम का फ़ायदा देता है, यानी बिल्कुल तमाम अफराद में उमूम होगा। और अब माना अब यहाँ पर यह होगा इस ज़ाब्ते के पेश नज़र कि कोई भी नमाज का कोई भी फ़र्द हो, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, चाहे वो वाजिब हो, चाहे नफल हो या सुन्नत हो, नमाज किसी किस्म की भी हो, चाहे वो नमाज जिस पर भी लफ्ज़ सलात बोला जाता है, चाहे वो नमाज़ फ़राइज़ हों या नमाज या अरकान मखसूसा जो खमसा हैं, पांच नमाज़ें हैं वो हों, या उनके अलावा कोई और नमाज हो, या नमाज जनाजा ही हो, जिस पर भी लफ्ज़ सलात का अरबी में इतलाक़ होता है, तो वो कोई भी सलात बग़ैर तहारत के सही नहीं होगी। तो माँ कबल की बाब से ये बात समझ में आ गई। तो अब माँ कबल के बाब से तहारत की अहमियत और अजमत समझ में आ गई कि तहारत के बग़ैर ना अहमुल इबादत जो नमाज है, जब वो सही नहीं हो रही है तो तहारत बहुत अहम है। जब बहुत अहम है तो इसलिए इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बाब के बाद एक ये बाब बांधा जिस बाब से तहारत की फजीलत और अहमियत और अजमत व मरतबत मालूम होती है। बाबू मा जा फी फजल तहूर, पाकी हासिल करने की फजीलत में जो रिवायतें आई हैं उनके बयान में ये बाब है। ऐ हादा बाबुन फी मा जा फी फजल तहूर, ये माना होगा। ये बाब है उन तमाम बातों के बयान में, उन तमाम रिवायतों रिवायतों के बयान में जो तहूर यानी पाकी की फजीलत के बयान में, फजीलत के बारे में आई है। अब इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस जिक्र करते हैं इस बाब के तहत, जिस हदीस से फजीलत तहारत की यानी पाकीज़गी की और पाक रहने की फजीलत मालूम होती है। पाकी से पहले मैंने इससे पहले सबक में ये बता दिया है कि तहारत कभी हद से होती है तो कभी खुब्स से होती है, यानी वाकई अगर जिस्म पर नजासत लगी हुई है तो उससे तहारत अगर हासिल होगी तो कहा जाएगा कि तहारत अनिल खुब्स है।
और कभी जिस्म पर नजासत नहीं लगी हुई है लेकिन हद से लाहिक हो चुका है, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि ये तहारत अनिल हद से है। तो चाहे किसी भी किस्म की तहारत हो, तहारत अनिल हद से हो या तहारत अनिल खुब्स हो, दोनों तरह की तहारतें, तहारतों की फजीलत इस हदीस पाक से मालूम होती है। ऐसे ही बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में वुज़ू का ज़िक्र किया, जो वुज़ू तहारत अनिल हद से होती है, तो उसके बारे में ज़िक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़ाहिर बात है तहारत अनिल हद से जो है ये उस वक्त तक सही नहीं होगी जब तक कि तहारत अनिल खुब्स ना हो, यानी पहले नापाकी से तहारत हो उसके बाद हद से तहारत हो, अगर वुज़ू नहीं है तब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में चंद बातें समझ में आएंगी। पहले हदीस पाक का तर्जमा करते हैं। हद्दसना इसहाक इब्न मूसा अल अंसारी, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की इसहाक इब्न मूसा अंसारी ने। हद्दसना मान इब्न ईसा, हमसे वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की मान इब्न ईसा ने। हद्दसना मालिक इब्न अनस, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की मालिक इब्ने अनस ने। तहवील हा लिख देते हैं, इससे इशारा होता है मुहद्दिसीन का तहवील सनद की जानिब, यानी मालिक इब्ने अनस तक ये सनद आई और यही एक रिवायत, यही रिवायत जो बाद में ज़िक्र करने जा रहे हैं, यही रिवायत एक दूसरी सनद से है जो सनद भी हज़रत मालिक इब्ने अनस तक पहुँचती है। क्या है वो दूसरी सनद, उसको हा के बाद यानी तहवील सनद कह करके उसको बयान करते हैं। वहद्दसना, अब हा के बारे में बाज़ मुहद्दिसीन ने यह फरमाया कि हा से तहवील सनद मुराद होता है, तो अब हा के ज़रिए जगह पर आदमी तहवील सनद पढ़े जब इबारत पढ़े, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि हा ही सिर्फ पढ़कर चला जाए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि हा नहीं पढ़कर जाए बल्कि जब ये हा जो लिखा जाता है तहवील सनद के लिए होता है तो यहाँ पर या तो तहवील सनद पढ़ा जाए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने यह कहा कि हा से इशारा होता है इला आखिर तक, यानी यह सनद आखिर तक पढ़ लो, लेकिन सही यह है कि हा से इशारा तहवील सनद की जानिब होता है। क्या है दूसरी सनद, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं वहद्दसना कुतैबतु अन मालिकिन अन सुहैल इब्ने अबी सालेह, हमसे हदीस बयान की कुतैबा ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत मालिक से, वो रिवायत करते हैं सुहैल इब्ने अबी सालेह से, और सुहैल इब्ने अबी सालेह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, और उनके वालिद कौन है, हज़रत अबू सालेह। तो अब देखिए यहाँ पर भी इससे पहली जो सनद ज़िक्र की थी उसमें ये था कि हज़रत माद इब्ने ईसा ने बयान किया, और वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की मालिक इब्ने अनस ने, वहाँ पर हज़रत मान इब्ने ईसा ने हज़रत मालिक इब्ने अनस से हदीस सुनी थी, और यहाँ पर यह है कि कुतैबा ने हज़रत मालिक से रिवायत की है। तो देखिए हज़रत मालिक तक तो दोनों सनदें आ रही हैं, अब हज़रत मालिक के बाद यह है अन सुहैल इब्ने अबी सालेह के, वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की, हमसे रिवायत की सुहैल इब्ने अबी सालेह ने, और सुहैल इब्ने अबी सालेह अपने वालिद यानी अबू सालेह से रिवायत करते हैं। अन अबी हुरैरा, और उनके वालिद हज़रत अबू सालेह रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। काल हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा तवद्दअ अल-अब्दुल मुस्लिमु अविल मुमिनु फ़ग़सला वजहा। ये कई जगह पर लफ्ज़ औ आया है, जैसे यहाँ पर आया इज़ा तवद्दअ अल-अब्दुल मुस्लिमु अविल मुमिनु, तो ये औ जो आया है ऐसे ही आगे भी कई जगह पर औ आएगा। इस औ का मतलब यहाँ पर यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अनहु को शक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर अब्द मुस्लिम फरमाया या अब्द मोमिन फरमाया, इसमें उन्हें शक है। तो जहाँ पर शक होता है तो ये दयानतदारी है सहाबा इकराम की कि अगर शक होता है तो उसी शक के तौर पर ही उसको ज़िक्र कर देते हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा तवद्दअ अल अब्दुल मुस्लिम अविल मोमिन, सरकार ने फरमाया कि जब अब्द मुस्लिम
वुजू करता है, जब मुसलमान बंदा वुजू करता है, मुसलमान कहा सरकार ने या मोमिन कहा, फ़ग़सला वजहा, तो जब वुजू करता है तो अपने चेहरे को धोता है, खरजत मिन वजहिही कुल्लु खतीअतिन नज़रा इलैहा बिआइनैहि मअलमा, तो उसके चेहरे से वो तमाम खता और वो तमाम तर खताएँ निकल जाती हैं, गुनाह निकल जाते हैं उसके चेहरे से, नज़रा इलैहा बिआइनैहि, जिन खताओं की तरफ उसने अपनी आँखों से देखा, तो वो तमाम तर गुनाह आँखों के किए हुए जो गुनाह हैं वो सब के सब निकल जाते हैं, मालमा पानी के साथ, जब पानी चेहरे से जुदा होता है तो पानी के साथ गुनाह दूर हो जाते हैं, औ मा आखिर कतरिल मा, तो यहाँ पर भी इमाम हज़रत अबू हुरैरा को शक है कि सरकार ने मालमा फरमाया या मा आखिर कतरिल मा फरमाया, बहरहाल माल तो सब है, माल तो दोनों का एक ही है कि पानी के साथ निकल जाते हैं या पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, और नहव हाजा या इस जैसा सरकार ने फरमाया, अय और आगे सरकार ने फरमाया वईदा गसला यदय, और जब अपने दोनों हाथों को धोता है, खरजत मिन यदय कुल्लु खतीअतिन, तो उसके हाथ से निकल जाता है, निकल जाती है हर खता और हर गलती और हर गुना, बतशत हा यदा हो, जिस खत जो जिस गुनाह को, जिस खतिया को और जिस गुनाह को उसके हाथों ने पकड़ा था, हाथों ने गुनाह को नहीं पकड़ा, मतलब ये है कि उसके हाथों ने जिस गुनाह का सबब इख्तियार किया या जो उन हाथों ने जो गुनाह किया उस वो तमाम तर गुनाह हाथ धोने के बाद, हाथ धोने की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुनाह निकल जाते हैं, माल मा पानी के साथ और मा आखिर कतल मा, या सरकार ने फरमाया माँ के यानी पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, हत्ता यखरुजा नक़ियम मिनज़्ज़ुनूब, यहाँ तक कि ये शख्स जब वुजू करके फारिग हो जाता है तो ये शख्स निकलता है गुनाहों से साफ सुथरा होकर, गुनाहों से साफ सुथरा होकर। मैं यहाँ पर भी वही बात जिक्र करूँगा कि हमारे उलमा ने कुछ ने यह फरमाया कि यहाँ पर तमाम गुनाह मुराद हैं, कि सब गुनाह निकल जाते हैं, गुनाहे कबीरा हो या गुनाहे सगीरा हो। और यहाँ पर आम है, चाहे वो हुकूकुल इबाद हो या हुकूकुल लाह से मुताल्लिक हो, बाज़ उलमा ने ये फरमाया, और कसीर उलमा ने ये फरमाया कि यहाँ पर गुनाहे सगीरा मुराद हैं, जो कि गुनाहे सगीरा हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ ना रखते हों, जैसे कि इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। और आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इस जगह पर इरशाद फरमाया है कि गुनाहे कबीरा भी धुले जाते हैं, गुनाहे कबीरा भी धुले जाते हैं, वो अगरचे गुनाहे कबीरा का जवाल नहीं होता है, आला हज़रत ने यह फरमाया। इसका मतलब यह है कि गुनाहे कबीरा का धुलना, गुनाहे कबीरा धुल तो जाते हैं लेकिन उनका जवाल नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि गुनाहे कबीरा की जो सज़ा होती है तो अच्छे कामों की बिना पर और वुजू करने की बिना पर वो गुनाहे कबीरा की सज़ा थोड़ी हल्की हो जाती है, इसका मतलब ये है, यही हमारे अक्सर उलमा का कौल है। अब यहाँ पर मैं एक बात जिक्र करूँ कि गुनाहे कबीरा हो या सगीरा, गुनाह जो होते हैं वो तो आराज की कबील से होते हैं, आराज की कबील से होते हैं, वो तो सिर्फ औसाफ होते, एक माना होते हैं जिनके लिए खुरूज या दुखूल मुतसव्वर नहीं होता। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया खरजत, वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पर खुरूज का माना कैसे सही होगा, जब गुनाहों गुनाह जो हैं वो जुल जिस्म या जुल जिर्म है ही नहीं, वो जौहर की कबील से हैं ही नहीं, तो फिर उनका निकलना या उनका दाखिल होना कैसे मुतसव्वर हो सकता है। तो इसके ताल्लुक से हमारे बाज़ उलमा ने ये फरमाया कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ आराज को भी जौहरियत अता फरमा देता है, या ये कुछ आराज को कुछ शक्लें अता फरमा देता है, जिन शक्ल
जो अपने शक्लों के साथ वो निकलती हैं और उनको लिया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है। जैसे कि इस पर दलील पकड़ी उस आयत करीमा से, जिस आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम तर अस्मा और मुसम्मियात का इल्म दे दिया। तो अस्मा का इल्म दिया ना, ये इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, और उसके बाद फ़रिश्तों से कहा कि फ़रिश्तों पर उनको पेश किया, सुम्मा अरदाहुम अलल मलाइका, फिर उनको फ़रिश्तों पर पेश किया। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्मा को फ़रिश्तों पर पेश किया, जबकि अस्मा जो हैं वो भी तो मानी ही की कबील से हैं, उनके अंदर कहाँ जिस्मियत और जौहरियत होती है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़रिश्तों पर पेश किया, तो यहाँ पर अर्द यानी पेश करना पा लिया गया इस आयत करीमा से मालूम हुआ। इसका मतलब यह है कि कुछ आराज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ख़ास शक्लें अता फरमा देता है, जिसकी बिना पर उनको पेश करना, उनको लेना और देना ये सही हो जाता है। और जब ये सही हो गया तो अब उनका जिस्म से निकलना भी सही हो जाएगा। इसलिए खराजत अपने हकीकी माना में इस कौल की बिना पर मुस्तमल है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने यह फरमाया कि यहाँ पर खराजत अपने हकीकी माना में नहीं है बल्कि मजासी माना में है। और खराजत का मतलब ये है कि उन वो गुनाह जो हैं उसके मिटा दिए जाते हैं और उन गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमा देता है, ये मुराद है। तो अब यहाँ पर खराजत भी अपने हकीकी माना में नहीं होगा बल्कि माने गैर मौज़ूलों में मुस्तमल होगा, जिसको मजाज कहते हैं। लेकिन सही बात यह है कि गुनाह को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ शक्लें अता फरमा देता है, जो शक्लें हर एक तो नहीं देख पाता लेकिन कुछ असहाबे कश देख लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे बुज़ुर्गों से ये बात मनकूल है, बिलखसूस हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कश्फ तो इस दर्जे का है कि वो हज़रात किसी के गुसाला को और किसी के वज़ू किए हुए पानी को अगर देख लेते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सा गुनाह है, इम्तियाज़ भी कर लेते हैं कि ये गुनाह वो गुनाह अलग है, ये गुनाह अलग है। रिवायत किया जाता है कि हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा एक हौज़ पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि एक शख्स वज़ू कर रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ फलां शख्स तू अपने माँ बाप की नाफरमानी से बाज आ जा। क्यों फरमाया ये? क्योंकि उसका गिरा हुआ जो वज़ू का पानी था उसको आपने मुलाहजा फरमाया और उसमें माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिखा। फिर एक दूसरे शख्स की तरफ तशरीफ ले गए और उसको देखा कि वो वज़ू कर रहा है, तो उसके पानी में देखा उसका जो गुसाला था हाथों पैरों का धोया हुआ जो पानी था, धोबन जो था, उस धोबन को जब आपने देखा तो आपने फरमाया, ऐ फलां शख्स तू जिना से तौबा कर ले। तो उस शख्स ने कहा मैंने आज जिना से तौबा कर ली है। इसका मतलब यह है हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देखते हैं कि किस आदमी के पानी में कैसा गुनाह है, ये इम्तियाज़ भी कर लेते हैं। तो ये असहाबे कश्फ है। ऐसे ही एक शख्स से आपने हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स तू शराब नोशी से तौबा कर ले क्योंकि तेरे पानी में शराब नोशी का गुनाह नज़र आ रहा है। उस शख्स ने भी तौबा कर ली। एक रिवायत मुल्ला अली क़ारी अलैह रहमतु व रिज़वान ने ज़िक्र की कि हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत ये है कि जो वज़ू का गिरा हुआ पानी होता है, इस्तेमाल किया हुआ जो पानी होता है, वो पानी इमाम आज़म के नज़दीक, इमाम आज़म से एक रिवायत यह है कि वो पानी नजिस होता है, और एक रिवायत इमाम आज़म से यह है कि वो पानी नजिस तो नहीं होता है, ताहिर होता है लेकिन मुतहिर नहीं होता है,
माए मुस्तमल होता है वो। तो अब दो तरह की रिवायतें इमाम आज़म से हैं, क्यों? इसलिए कि इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अनहो पानी को देखकर मालूम कर लेते थे कि ये पानी में गुनाह कैसे हैं। तो अब जिस पानी को देखा और ये देखा कि उसमें जिना का गुनाह है, उसमें शराब नोशी का गुनाह है और तमाम इस तरह के जब गुनाह देखे, तो ऐसे वक्त में इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अनहो ने यह हुक्म फरमाया कि वुज़ू का जो पानी है वो नजिस होता है। और जहाँ पर इमाम आज़म ने ये देखा कि किसी की नाफरमानी या कोई गुनाह सगीरा है, गुनाह सगीरा को अगर देखा तो फरमाया कि गुनाह का वुज़ू का पानी जो है वो नापाक नहीं होता है। तो अब दोनों तरह की रिवायतों में कोई तआरुज़ नहीं है, वो दर हकीकत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का गुसाला और वुज़ू का गिरा हुआ जो पानी होता है उसको मुलाहजा करने के बाद दोनों तरह का आपने हुक्म दिया। क्योंकि लोग मुख्तलिफ थे, लोगों के आमाल मुख्तलिफ थे, लोगों के गुनाह मुख्तलिफ थे, इसलिए उन्हीं गुनाहों के एतबार से आपने पानी का अलग अलग हुक्म बयान फरमाया। लेकिन ये अहले कश्फ थे, वो बयान फरमा देते थे, लेकिन हमारे जमहूर उलमा ने फतवा इसी पर दिया है कि वुज़ू का बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना ये मकरूह तो होगा, लेकिन वो पानी ना नापाक है बल्कि वो ताहिर भी है और मुताहिर भी है, पाक भी करने वाला। अगर किसी नजासत को उससे ज़ायल किया जाए तो नजासत का ज़वाल हो जाएगा, अगरचे इस्तेमाल करना मकरूह है। तो एक ये बातें यहाँ पर समझ में आई। अब इस हदीस पाक के तर्जमे से ये तो समझ में आ गया होगा कि वुज़ू का कितनी वुज़ू की कितनी फजीलत है। इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अनुहुमा ने एक हदीस ज़िक्र की जिसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसार वुज़ू क़यामत के रोज़ चमकेंगे, तो तुम में से कौन है जो अपने आसार वुज़ू को, अपने चेहरों को और अपने आज़ा को चमकाना चाहता है, तुम में से कोई चमकाना चाहता है, फल यतवद्दा, तो चाहिए कि वो वुज़ू करे। ऐसी एक इमाम मुस्लिम की एक रिवायत है कि इमाम मुस्लिम ने जो रिवायत ज़िक्र की उसका मफहूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू ऐसे चमक रहे होंगे जैसे कि हज़ारों घोड़ों के बीच में वो घोड़ा चमकता है जिसके पैर सफ़ेद और जिसके पेशानी पर सफ़ेदी हो। तो ऐसे ही क़यामत के दिन सारी उम्मतों में मेरी उम्मत भी नुमाया और मुमताज़ होगी और उनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई अगर कोई ये चाहे कि अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे तो वो वुज़ू करे और कामिल वुज़ू करे। ऐसे ही वुज़ू के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम तिर्मिज़ी आगे रिवायतें ज़िक्र करेंगे, मुख्तलिफ रिवायतें ज़िक्र करेंगे, जिससे मालूम होगा कि वुज़ू बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक़ वामसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक धो, अपने सर का मसाह करो और अपने पैरों को धो। जब इरादा करो तो क्या वुज़ू करना इरादा करने की बिना पर, नमाज का इरादा करने की बिना पर क्या वुज़ू करना वाजिब हो जाता है? इस सिलसिले में हमारे फुकहा ने फरमाया कि अगर वो इरादा किया किसी ने नमाज का तो उससे सिर्फ इरादा करने की बिना पर वुज़ू करना वाजिब नहीं होता है, क्योंकि अगर पहले से वुज़ू है तो वुज़ू उस पर वाजिब नहीं होगा। इरादा कर नमाज का इरादा करने से सिर्फ वुज़ू वाजिब नहीं होता है बल्कि दो चीज़ों से वुज़ू वाजिब होता है, एक तो ये कि हद से लाहिक हो चुका हो और दूसरा ये कि फिर अब उसके बाद में इरादे सलात हो, इरादे नमाज हो या कुरान वगैरह छूने का इरादा हो। तो अब पहले से हद से लाहिक है और फिर अब इरादे वुज़ू इरादे नमाज कर रहा है तो अब वुज़ू करना वाजिब होगा। तो अब वुज़ू के वजूब के सबब दो चीज़ें हुई, एक हद और दूसरा इरादे सलात। इमाम तिर्मिज़ी ने जो रिवायत ज़िक्र की है उस रिवायत से उस रिवायत के मुख्तलिफ अल्फाज पर
مثلاً خرجت پر ہم نے گفتگو کی، اور یہاں پر بھی ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا کہ خطیہ سے مراد، گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، جو کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا گناہ صغیرہ بھی یہاں پر جھڑتے ہیں، دھلتے ہیں، اگرچہ ان کا زوال نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور سب باتیں ہم یہاں پر ذکر کر چکے۔ اب آگے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال قال ابو عیسیٰ، امام بخاری خود اپنے آپ کو ابو عیسیٰ، جو آپ کی کنیت ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی جو ابھی ہم نے اس باب کے تحت حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہاں پر امام بخاری، امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک ہی حدیث کو حسن اور اسی کو صحیح کیسے کہہ دیا، جبکہ حسن وہ ہوتی ہے جس میں صحیح کی کوئی نہ کوئی شرط نہ پائی جائے۔ تو حدیث صحیح کے مقابل حدیث حسن تھوڑی سی کم درجے کی ہوتی ہے۔ جب دونوں میں کم درجہ ہوتا ہے، دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی قسیم ہیں، تو دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو ایک ہی حدیث حسن بھی ہو اور صحیح بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر امام ترمذی دونوں وصفوں کو کیسے جمع کر دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمارے محدثین نے چند دیے ہیں۔ ایک تو جواب یہ دیا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس حدیث کی سند ایک ہی ہے یا متعدد طرق سے وہ مروی ہے۔ اگر ایک ہی حدیث، ایک ہی سند ہے، کوئی اور طریق اس کا نہیں ہے، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر در حقیقت او لفظ تھا، اور امام ترمذی شک کے طور پر او کو ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ یقین کے طور پر اس کو حسن اور صحیح ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں معنی تھا ھذا حدیث حسن او صحیح، یعنی یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، جس کا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ حسن ہے یا صحیح ہے، یعنی دونوں کے اس حدیث کے حسن اور صحیح ہونے میں تردد ہے۔ تو تردد کی طرف اشارہ ہوتا ہے امام ترمذی کا، جبکہ ایک ہی طریق سے وہ مروی ہو۔ اور اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کے متعدد طرق ہیں، الگ الگ طریق اور الگ الگ سندوں سے وہ مروی ہے، تو امام ترمذی کا حسن صحیح کہہ کر اشارہ کرنا ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ حدیث ایک طریق سے حسن ہے اور کہیں اور دوسرے کسی طریق سے صحیح ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک ہی اگر متعدد طرق سے نہ ہو، ایک ہی طریق سے مروی ہو، لیکن پھر بھی حسن صحیح کہہ دیتے ہیں، تو تیسرا جواب ہمارے محدثین نے یہ بھی دیا ہے کہ امام ترمذی کا حسن صحیح کہہ کر اشارہ کرنا ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ حدیث بعض ائمہ حدیث کے نزدیک حسن ہے اور بعض ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح ہے۔ تو یہ تمام تر امام ترمذی کے اس اصطلاح کے جواب ہوئے، جو امام ترمذی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو ان کو ذہن میں رکھیے، کون سی حدیث ہے جو حسن صحیح ہے؟ امام ترمذی فرماتے وہ حدیث و مالک عن صہیب، یہ وہی حدیث ہے جس کو ہم نے باب کے تحت ذکر کیا ہے، جو کہ حضرت مالک کی حدیث ہے، جس میں روایت حضرت سہیل سے ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت سہیل کے والد کون ہیں؟ تو میں نے تو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ حضرت سہیل کے والد جو ہیں وہ ابو صالح ہیں، ہے نا، کیونکہ وہاں پر روایت میں یہی تھا نا، ان سہیل ابن ابی صالح، سہیل ابن ابی صالح، تو ابو صالح تو ان کے والد ہی ہیں، تو امام ترمذی ان کے والد کا نام ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ابو صالح والد و سہیل، ابو صالح جو ہیں وہ سہیل کے والد ہیں، ہوا ابو صالح السمان، یہ ابو صالح جو کہ سہیل کے والد ہیں وہ ابو صالح سمان ہیں، بس مہو زکوان، اور ان کا نام زکوان ہے۔ اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی راوی کے نام وغیرہ میں کوئی شک ہوتا ہے یا تردد ہوتا ہے یا اس نام کا کوئی اور بھی راوی ہوتا ہے، تو امام ترمذی کی اپنی عادت ہے
کہ یہاں پر جو راوی ہے اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں تاکہ تردد ختم ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر کیا۔ وہ ابو ہریرہ، ایسی روایت میں سند میں حضرت ابو ہریرہ بھی آئے تھے، تو اب حضرت ابو ہریرہ یہ تو ان کی کنیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے ساتھ میں بلی ہے، تو سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ، تبھی سے لوگ ان کو ابو ہریرہ کہنے لگے۔ یہ تو ان کی کنیت ہے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ اس تعلق سے امام ترمذی فرماتے ہیں اختلفوا فی اسمی، ہمارے علماء حدیث نے حضرت ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف کیا۔ فقالوا، تو کچھ علماء نے فرمایا عبد الشمس، یعنی ان کا نام عبد الشمس ہے۔ وقالوا، اور کچھ علماء نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ہے۔ وہاکذا قال محمد ابن اسماعیل، اور اسی طریقے سے حضرت محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری نے بھی کہا ہے، یعنی امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں وہاکذا اسمع، یعنی حضرت ابو ہریرہ کا عبداللہ ابن عمرو نام ہونا یہی زیادہ صحیح ہے، جس کو حاکم ابو احمد نے اصح قرار دیا۔ انہوں نے کہا اصح شیء عندنا فی اسم ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر، یہ حضرت حاکم ابو احمد نے کہا، جبکہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو نام ہے، جبکہ حاکم ابو احمد کہتے ہیں کہ اس تعلق سے سب سے زیادہ صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور ان کی کنیت جو ابو ہریرہ ہے وہ ان پر غالب آ گئی۔ تو امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کا نام ذکر کیا۔ وفی الباب، اب آگے امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ایک روایت یہاں پر ذکر کر دی ہے اس باب میں، لیکن اس باب میں اور بھی لوگوں سے روایتیں، کن کن لوگوں سے روایتیں ہیں اس باب میں، وہ امام ترمذی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وفی الباب عن عثمان، اس باب میں حضرت عثمان سے بھی ایک روایت ہے، صوبان سے بھی ایک روایت ہے، و سنابحی، اور حضرت سنابحی سے بھی ایک روایت ہے، و عمر ابن عبسہ، اور حضرت عمر ابن عبسہ سے بھی روایت ہے، و سلمان، اور حضرت سلمان سے بھی روایت ہے، و عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، و سنابحی الذی روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الطہور هو عبداللہ السنابحی و سنابحی۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جو ذکر کیا کہ سنابحی سے بھی روایت ہے کہ حضرت امام کے ایک سنابحی نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اس باب میں، تو اب امام ترمذی فرماتے ہیں چونکہ یہاں پر اشتباہ تھا، کیونکہ سنابحی نام کے تین لوگ ہیں، اور اب یہاں پر سنابحی سے کون سے سنابحی مراد ہیں، تو امام ترمذی اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے پوری تفصیل ذکر کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَسُنَابِحِ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ سنابحی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فی فضل الطہور، پاکیزگی اور پاکی کی فضیلت کے سلسلے میں، تو یہ کون سے سنابحی ہیں؟ فرماتے ہوا عبداللہ السنابحی، یہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باب و فضل الطہور کے سلسلے میں جو روایت کی ہے وہ عبداللہ سنابحی ہے، اور ایک دوسرے بھی سنابحی ہیں جن کو سما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے، وہ ایک دوسرے سنابحی ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ اجتباع پورے طور سے ختم ہو جائے۔ بر فرماتے ہیں بس سنابحی الذی روا عن ابی بکر صدیق لیس لہ سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سنابحی جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کی ہے ان کے لیے سما نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو سما حاصل نہیں ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی ہے، تو وہ سنابحی جنہوں نے نبی سے حدیث جن کے لیے سما حاصل نہیں ہے ان کا کیا نام ہے؟ فرماتے وسمہ عبد الرحمن ابن عسیلہ، ان سنابحی کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے، ویکنا ابا عبداللہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سما حاصل نہیں ہے، امام ترمذی فرماتے رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سنابحی نے
जो जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमा हासिल नहीं है, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सफ़र किया। रहला का माना रहला, यरहलु का माना सफ़र करना। रहला इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सफ़र किया। फ़कुबिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। वह हुआ फिर तड़ी, इस हाल में कि सुना भी अभी अपने रास्ते ही में थे, कि सरकार तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले सरकार का विसाल हो गया और वो रास्ते ही में थे। तो अब जब पहुंच ही नहीं पाए, इसका मतलब ये कि इन सुनाबिही को, जिनका जिनकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह है, जिनका नाम अब्दुलरहमान इब्न हुसैला है, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीमा हासिल नहीं है। वक़द रवा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस, हालांकि इन सहाबी इन सुनाबिही ने, जिनको सीमा हासिल नहीं है, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ हदीसें भी रिवायत की, लेकिन इमाम तिर्मिज़ी ने फैसला फरमा दिया इनको सीमा हासिल नहीं है, इसलिए इनका बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हदीस की रिवायत करना ये दर हकीकत तफ्तीश है, और इन्होंने अपने शेख को वहाँ पर छुपा दिया। अब शेख को ना बयान करके बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने रिवायत कर दी, हालांकि इनको सीमा हासिल नहीं है, ये इमाम तिर्मिज़ी ने बयान। और एक तीसरे भी सुना दी, कौन है? बस सुनाबिह इब्न अलअसर, बस सुनाबिह इब्न अलअसर अल अहमसी साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते एक सुनाबिह इब्न अलअसर अहमसी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमा हासिल है। युकालु लहु असुनाबिही अरबा, उनको भी सुनाबिही कहा जाता है। व इन्नमा हदीसुहु, और ये जो सुनाबिही है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, इनकी जो हदीस है वो ये है, ये बताने के लिए इमाम तिर्मिज़ी हदीस भी जिक्र कर देते हैं कि इन सुनाबिही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमा हासिल है। क्या फरमाते? फरमाते व इन्नमा हदीसु, और उनकी हदीस ये है, क्या काल, उन्होंने फरमाया समितु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए का सुना है, इन्नी मुकासिरु बिकुम उमर वला तख्तिरुन बादी, सरकार ने फरमाया कि मैं तुम पर तमाम उम्मतों पर तुमको लेकर फख्र करूंगा कयामत के दिन, वला तख्तिरुन बादी, तो तुम लोग मेरे बाद आपस में क़िताल मत करना, यानी आपस में लड़ाई झगड़े करके कत्ल क़िताल और गारत गरी करके तादाद कम मत करना, मैं तुम्हारी तादाद को देख कर क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर फख्र करूँगा। ये ऐसे ही नबी करीम, तो अब ये जो हदीस है ये हज़रत सुनाबिह इब्न अलअसर अहमसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। इसका मतलब ये है कि इमाम तिर्मिज़ी ये बताना चाहते हैं, ये जो तीसरे नंबर पर जिन सुनाबिही का जिक्र किया, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सिमा हासिल है। अब इस हदीस में है इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम फला तख्तिलुन्ना बादी, कि तुम मैं तुम्हारे ऊपर दीगर उम्मतों पर तुमको लेकर फख्र करूँगा, फला तख्तिलुन्ना बादी, तो मेरे बाद तुम आपस में क़िताल मत करना या मेरे बाद तुम कत्ल मत करना, यानी तादाद बढ़ने देना। देखिए इस्लाम का नज़रिया जो है वो निकाह से भी, इस्लाम का नज़रिया वो तादाद को बढ़ाना है, वरना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया तज़व्वजुल वदूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुम उमम, के बहुत बच्चे देने वाली और बहुत मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो, क्योंकि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँगा। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इशारा फरमा दिया और बयान फरमा दिया इस बात को कि निकाह से जो मकसूद है वो नस्ल इंसानी की अफजाइश है। निकाह किसी भी जुज़्वे इंसानी का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, जबकि निकाह में जुज़्वे इंसानी का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी इंसान को जुज़्वे इंसानी से तमत्तो करना और उसका इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। तो अक्ल तो यही कहती है कि ये जायज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन निकाह को फिर भी जायज़ करार दिया
अज़रुए शरा नबी करीम सारे आज़म ने इसको जायज़ करार दिया, तो इसका मकसद सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होना या तलज्जुज़ हासिल करना ये मकसद नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद है कि अफजाइश नस्ल इंसानी, कि नस्ल इंसानी की अफजाइश हो, बढ़ोतरी हो। लिहाजा इन अहादीस के पेश नज़र मुसलमानों को चाहिए कि वो ये ना सोचें कि हम बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कहां से कमा कर लाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया कि हम तुमको भी रिस्क देते हैं और बच्चों को भी रिस्क देते हैं, तो उनको आप उनको कत्ल मत करो। ला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को इमलाक यानी मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी औलादों को कम ना करें बल्कि तादाद को बढ़ाएं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलादों को बढ़ाने की और तादाद को बढ़ाने का ये हुक्म 1400 साल पहले दे दिया है, जबकि आज कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि पहले पाबंदी भी लगाते हैं कि दो दो बच्चे करो और फिर उसके बाद में कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे करो। तो इस्लाम का वो नज़रिया है जो नज़रिया 1400 साल से अब तक कायम है, मुसलमानों को अपने इस्लामी नज़रिए पर कायम रहना चाहिए और मुफलिसी के डर से नहीं घबराना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, वही रिस्क देने वाला है और वही सबको जिलाने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसकी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए और फिर अपनी मेहनत और कोशिश में और जवान कोशिश में लगे रहना चाहिए, अल्लाह के रिस्क को तलाश करना चाहिए, बाकी अता करने वाला अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।